आपको पता है आज क्या है? आज है हमारे फेवरेट विलेन शक्ति कपूर का बर्थडे। तो वो विलेन जो हमें हंसाते ज़्यादा थे, डराते कम थे, तो मैंने सोचा उनके बर्थडे के दिन आपको 90s के ऐसे बॉलीवुड विलेन से मिलाती हूँ जिनसे हम डरते नहीं थे, हंसते ज़्यादा थे उनको, उनका नाम सुन के या फिर उनकी एक्टिंग देखकर या उनकी शक्ल देखकर। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम 90s बुक्स, पोइट्री और लाइफ की बातें करते हैं। सो 90s फनीएस्ट बॉलीवुड विलेन नंबर वन, सबसे पहले खुद शक्ति कपूर इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अंदाज अपना अपना में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था क्राइम मास्टर गोगो का, जो कि मोगेम्बो का भतीजा है और आंखें निकालकर गोटियां खेलता है, गोटियां। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकालकर गोटियां खेलता हूं मैं, गोटियां। 90s फनीएस्ट बॉलीवुड विलन नंबर टू, परेश रावल एज पिंकी इन द मूवी दौड़। सो दौड़ मूवी में ना परेश रावल ने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन उनको देखकर इतनी हंसी आती है बिकॉज़ उनका नाम बहुत फनी होता है। मेरा हाथ टूट गया रे साले, फौलाद की औलाद, मेरा हाथ टूट गया, मेरे को बर्फ लग के दे, मेरे को बर्फ लग के दे। बॉलीवुड फनीएस्ट विलन नंबर थ्री, सतीश कौशिक इन दीवाना मस्ताना। सो दीवाना मस्ताना में सतीश कौशिक जो है बड़ा भाई बनकर, मतलब सबको धमकी वमकी देते रहते हैं, यू नो, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उनको कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उनका नाम पता क्या है? पप्पू पेजर। ए मटन के छिलके, ए इंट्रोडक्शन लेना बंद कर, नहीं तो माउथ पीस में डाल के रिसीवर से निकाल के कनपटी में घुसा डालूंगा, अल्टी पल्टी हो जाएगा, तो पप्पू पेजर पे ब्लेम मत डालना, समझा क्या? काटता हूँ। 90s बॉलीवुड विलेन नंबर फोर, ये फिर से परेश रावल आ गए हैं इस लिस्ट में अपने अंदाज अपना अपना के कैरेक्टर बजाज या तेजा के लिए। सो बजाज इज नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर तो तेजा ही है। सो जिसमें उनका डायलॉग बहुत हिट हुआ था, तेजा मैं हूँ, मार्क इधर है। और फिर तेजा जो है ना, उसके ड्रीम्स बड़े छोटे हैं बेचारे के, वो ब्रेड का बादशाह ये सब बनना चाहता है और अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है, बहुत ज्यादा विलन टाइप के ड्रीम्स नहीं है उसके। ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा बजाज, हमारा बजाज। 90s बॉलीवुड फनीएस्ट विलन नंबर फाइव, अब विलन के बारे में सोचो तो अमरीश पुरी का यू नो चेहरा दिमाग में आता है, उनकी भारी आवाज है। एक हमारे दीपक जी हैं जिनकी आवाज ही सबसे फनीएस्ट पार्ट बना देती है उनको एज अ विलन इन द मूवी इश्क। इश्क मूवी में डामलिया नाम का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है, जिनको कि सुपारी मिलती है आमिर खान और काजोल को मारने की, और वो जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं ना, सब लोग हंसने लग जाते हैं बिकॉज वो तोतले होते हैं और उनकी आवाज बहुत फनी होती है। मेरी नक्कल उतालता है, एक बात कान खोल कर चुन ले, मैंने तेरे दोस्त और तेरी महबूबा को मारने के लिए 25 लाख रुपए की छुपा ली। 90s फनीएस्ट बॉलीवुड विलेन नंबर सिक्स, अनुपम खेर साहब एज पिंकू, जो एक गे कैरेक्टर था इन द मूवी मस्त कलंदर। आपको पता है सबसे अच्छी बात यह है कि फनी तो है ही ये कैरेक्टर, लेकिन ये 90s की पहली मूवी होगी जिसमें गे कैरेक्टर को ओपनली गे दिखाया है विदाउट यू नो मिमिकिंग यू नो हिज कैरेक्टर, या उनको किसी अलग तरीके से या अबनॉर्मल या अजीब नहीं दिखाया है, विच वॉज अ गुड थिंग, वेरी प्रोग्रेसिव थिंग फ्रॉम 90s पॉइंट ऑफ व्यू। और पिंकू नाम का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, एंड ट्रस्ट मी, अनुपम खेर हैज डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस मूवी। पिंकू, जरा इसे दिखाना तो हमारे चाकू की धार कितनी तेज है। नाइन्टीज फनीएस्ट बॉलीवुड विलेन नंबर सेवन है हमारे रजाक खान साहब, जो हेलो ब्रदर में उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था निंजा चाचा का, जो एक्चुअली में टिपिकली नेगेटिव कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ी बहुत बदमाशियां करते रहते हैं, और उनका जो कैरेक्टर है बहुत फनी अगर आप इस मूवी में देखेंगे, बिकॉज वो बहुत ही पतले से हैं, सो सब उनको सोचते हैं कि ये क्या कर पाएंगे, लेकिन निंजा चाचा उन्हें इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं। 90s बॉलीवुड फनीएस्ट विलेन नंबर एट, इस पोजीशन पे पता है कौन है? ये है हमारे प्रेम चोपड़ा साहब, जो जिन्होंने दूल्हे राजा में एक फनी कैरेक्टर प्ले किया था अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, और वो जो दोनों भाई हैं, क्योंकि जो दूसरे भाई हैं प्रेम चोपड़ा के वो गंजे हैं बिल्कुल, तो हर कोई उन्हें चिढ़ाता रहता है उस गंजेपन के लिए, और प्रेम चोपड़ा साहब को गोविंदा इतना बेवकूफ़ बनाते हैं इस मूवी में, तो उन्हें देख के गुस्सा कम, उन पर तरस ज़्यादा आता है।
90s बॉलीवुड विलेन नंबर 9। ये एक्चुअली दो लोग हैं, आशीष विद्यार्थी एंड वंस अगेन रजाक खान, जो हसीना मान जाएगी के विलन्स बने थे। नाउ इस मूवी में ना इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, मतलब आशीष विद्यार्थी एक भाई हैं, डॉन हैं, धमकियां देते रहते हैं कादर खान को, लेकिन कादर खान हमेशा उल्टा उन्हें ही गालियां सुना देते हैं और ये दोनों बेचारे कुछ नहीं कर पाते। 90s फनीएस्ट बॉलीवुड विलन नंबर 10 फाइनली, और ये है हमारे ओमपुरी साहब चाची 420 में, जो हरकतें तो बहुत शरारती करते हैं, कुछ कुछ करना चाहते हैं गलत, लेकिन वो हो कुछ उल्टा ही जाता है और हमेशा उनके खुद के साथ उल्टा हो जाता है। सेठ जी की सवारी धूमधाम से निकलनी चाहिए, नेशनल हीरो की तरह, आखिर वो हम लोगों के लिए इतना कुछ छोड़कर जा रहे हैं। हेलो मैरी, हाय। अच्छा बाकी मैं बेबी से पूछ कर बताता हूँ, फोन चालू रखना है। ए भगवान, क्या हुआ? सब ठीक है। ये थे मेरे 90s के टॉप 10 फनीएस्ट बॉलीवुड विलन्स, और अगर आपको बॉलीवुड विलन्स पे, सीरियस वाले विलन्स पे अगर आपको ज़्यादा जानना है कि 90s के वो कौन से विलन्स थे जिन्होंने हमें बहुत डराया था, तो यू कैन लिसन टू माई शो 90s की कसेट ऑन गाना म्यूजिक ऐप, जिसका सीजन 2 शुरू हो चुका है, और इसके सीजन 1 में ना हमने 90s के विलन स्पेशल एपिसोड भी किया है, सो डू चेक दैट एपिसोड आउट एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन गाना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यू नो व्हाट टू डू, लाइक, कमेंट, शेयर इट विद योर 90s लवर फ्रेंड्स एंड पीपल हु आर 90s फैंस, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग।